नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र खास रिपोर्ट। मैं मनमोहित आपके साथ। आपने किसान आंदोलन की हमने आपको वो वीडियो भी दिखाई जो किसान नेता दिल्ली से लौटकर आए थे, क्या स्थितियाँ रही है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई है। आज हम आपको ऐसी बच्ची से मिलवाने जा रहे हैं जिसने दो दिन किसान आंदोलन पर बिताए हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के चौराहे आंदोलन में बच्ची दो दिन साथ रही है, तो हम उनके तमाम अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। बेटा क्या नाम है? ज्वेता सिहाग। तो बेटा, दो दिन आप टिकरी बॉर्डर पर रहे हो, क्या महसूस किया आप? मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ जो लोग थे वो बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन्होंने ट्रॉलियों में ही अपने सब कुछ, बेडरूम, किचन सब कुछ बनाया था। वो सारे एक साथ ही काम कर रहे थे वहाँ, और वो अच्छे से रह रहे थे, एक दूसरे के साथ गुस्सा नहीं कर रहे थे। और किसान की बात सरकार को मान लेनी चाहिए। तो कितने किसान वहाँ बैठे हुए हैं, कितनी लंबी भीड़ है वहाँ? वहाँ पूरी टिकड़ी बॉर्डर से आगे बहुत दूर तक चार लाइनें हैं, और वो बहुत सारे गांवों से और सिरसा से, फतेहाबाद से बहुत सारे किसान आए हुए हैं वहाँ पर, और वो बहुत अच्छे से रहते हैं और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जितना उन्हें घर पे नहीं होता। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? कृषि कानून वापस होने चाहिए, संशोधन होने चाहिए, क्या मांग करेंगे सरकार से आप? मांग करती हूँ सरकार से कि वो ये जो रूल बनाए हैं उन्होंने, वो वापस ले लें और किसानों को आज़ाद कर दें। आपने वहाँ किसानों का इंटरव्यू भी किया है, आपने अलग अलग चीज़ें भी देखी है, तो खास क्या आपको वहाँ देखने को मिला, किस तरह का माहौल वहाँ आपको देखने को मिला? बहुत अच्छे बर्ताव से हमसे बात कर रहे थे जहाँ हम गए थे। बहुत बहुत अच्छे लोग थे, एक दूसरे की बहुत अच्छे से मदद कर रहे थे। जैसे मान लो कोई गिर गया तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो जितने भी उनकी तकलीफें वो तो सब एक साथ ही मिलकर उठाएंगे उनको। तो आपने दो दिन के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन किया? आपके साथ कौन कौन गया था वहाँ पर आंदोलन में? मेरे दादू और मेरी दादी और मेरी बड़ी दादी। तो हमने आपको सिरसा की 8 साल की बच्ची से मिलवाया जिसने दो दिन टिकरी बॉर्डर पर बिताया और तमाम हालात हमारे साथ साझा किए कि किसान वहाँ किस तरह रहते हैं, किस तरह के किसान वहाँ है और कितनी लंबी भीड़ है। तो हम आपको दो दिन में इस बच्ची ने क्या क्या किया वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किधर से? बठिंडा जिला, गुरु का कोठा। अच्छा, आप सब एक साथ ही हो? आप एक दूसरे के क्या लगते हो वैसे? अपने जमीना खोन दे भी रद करा मोदी का गल घुटन आए कि आ जाने आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम गुरमेल कौर, इहदा नाम मनजीत कौर, तुहाडा नाम की है? जसपाल कौर। थैंक यू फॉर काइंड इनफॉरमेशन। आप दा नाम नहीं दस्या? ज्वेता सिहाग। बहुत सोहना नाम। ये तो आपने देखा औरतों का ले लिया, और उससे पहले हमने लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ बॉयज सरदार। पूरी रैली जा रही है टिकरी बॉर्डर तक। क्या पूछो? अंकल आप कहाँ से आए हो? अभी श्री मौसर साहब तो मिले। अच्छा, पंजाब तो। आपका नाम क्या है? इकबाल सिंह। अच्छा, आप किस चीज की खेती करते हो? झोने की ते गेहूं की।
थैंक यू किसान जिंदाबाद। लो आपकी भी बनाते हैं, आप बोलो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कोई गुड़िया भी साड़ी सपोर्ट करने आई है, छोटी जी बच्ची, किसान एकता जिंदाबाद। वेरी गुड, वेरी नाइस। छोटे छोटे बच्चे आके साड़ी सपोर्ट कर सकते तो साड़े वड़े क्यों घर च बैठे ने, आओ साड़ा साथ दो, साड़ा उत्साह वधाओ। नंबर थम्मा हो पर। अच्छा तुम्हारा नाम की है? मेरा नाम गुरवेद सिंह। गुरवेद सिंह, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो अभी? दूध आएगा तो दूध पाएंगे। अच्छा कौन लाता है दूध यहाँ पर? इधर आ जाऊंगा हरियाणा तो रात को गड्डिया। अच्छा ये सारे लोग इधर के ही हैं? कितनी कितनी दूर तक घूमते हैं ये? बहुत दूर तक जाते हैं। अच्छा रोज रोज 65 किलोमीटर तक जाते हैं। अच्छा रोज जाते हैं? अच्छा धन्यवाद आपने हमें सारे इन्फॉर्म कर दिया, धन्यवाद। जय किसान जय भारत, जय किसान जय भारत, धन्यवाद।